जैन बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 10th मैथमेटिक्स हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के चैप्टर 5 समांतर श्रेणियां यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी एपी की प्रश्नावली 5.3 के क्वेश्चन नंबर 3 के हम 8th पार्ट को देखने जा रहे हैं। और देखें 8th पार्ट में क्या दिया हुआ है कि एक एपी में यदि an इज इक्वल टू 4, d इज इक्वल टू 2, sn इज इक्वल टू sn यानी जन पदों का योग -14, तो आपसे कहा जा रहा है कि n और a का मान ज्ञात कीजिए। तो चले ध्यानपूर्वक देखें, an की वैल्यू आपको दिया हुआ है 4। तो एक काम करते हैं हम लोग, आपको मालूम है कि sn इज इक्वल टू होता है n/2 और ये होता है a प्लस an। जब आपको फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म मालूम होता है तब, तो देखते हैं यहाँ पर sn की वैल्यू दी गई है -14 और ये हो गया n/2 और a और प्लस दिया हुआ है an, an की जो वैल्यू है ये 4 है। तो अब जो है अगर इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करें तो फिर देखें क्या मिलेगा। यहाँ से हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ये हो जाएगा -28 इज इक्वल टू n और ये हो गया आपका a प्लस 4। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। और फिर आपको यहाँ से देखें, अब इस फार्मूले का हम प्रयोग कर दें, nवें पद के लिए an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d होता है। तो देखते हैं an की वैल्यू दिया हुआ है 4, a प्लस n माइनस 1 और d की वैल्यू दी गई है 2। अब देखें इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो गया आपका 4 इज इक्वल टू a प्लस, ये हो जाएगा 2n और माइनस हो जाएगा 2। और फिर माइनस 2 को अगर हम अपोजिट साइड में ला दें तो फिर देखें क्या मिलेगा। या ऐसा करते हैं, हम यहाँ से a की वैल्यू निकालते हैं तो a की वैल्यू निकालने के लिए सबको हम लेफ्ट साइड में ला देंगे। तो ये है 4, -2 इधर आएगा तो +2 हो जाएगा और माइनस हो गया 2n इज इक्वल टू a, तो 4 +2 हो जाएगा 6, -2n इज इक्वल टू हो गया a। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब हम लोग इक्वेशन नंबर 2 से a का मान निकाल करके इक्वेशन नंबर 1 में रखें और फिर देखते हैं कि क्या वैल्यू प्राप्त होती है। तो इक्वेशन 2 से a का मान इक्वेशन 1 में रखने पर देखें, ये हो जाएगा -28 इज इक्वल टू n और फिर a की वैल्यू, तो a की वैल्यू है 6 -2n और ये हो जाएगा a की वैल्यू, इसमें रखा जा रहा है इक्वेशन नंबर 1 में -28 इज इक्वल टू n। तो n और a की वैल्यू है 6 -2n और प्लस हो जाएगा 4। यहीं पे कर लेते हैं 4। अब देखिए कि क्या मिलता है आपको, ये हो गया आपका -28 इज इक्वल टू n और फिर देखें ये 6 +4 हो जाएगा 10 और माइनस हो जाएगा 2n। इसको और हम सॉल्व करते हैं तो -28 इज इक्वल टू n, इसमें से हम 2 कामन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 5 -n
टू से इसको अगर हम कट कर देंगे तो माइनस 14 हो जाएगा और ये हो गया यन और 5 माइनस यन। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, माइनस 14 इजकल टू यन का मल्टीप्लाई करेंगे 5 यन और माइनस हो जाएगा एन स्क्वायर। अब इसको हम पश्चांतर करते हैं तो देखें, पश्चांतर करके माइनस एन स्क्वायर को इधर लाते हैं तो एन स्क्वायर माइनस हो जाएगा 5 यन और माइनस हो जाएगा 14 इजकल टू 0। अब हम लोगों को इसका फैक्टर करना होगा एन का मान ज्ञात करने के लिए, तो 14 का ऐसा फैक्टर किया जाए कि माइनस करें तो 5 आ जाए, तो 7 × 2 = 14, 7 × 2 = 14 और 7 में से 2 माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो ये हो गया एन स्क्वायर और माइनस हो जाएगा 7 यन प्लस हो जाएगा 2 यन माइनस 14 इजकल टू 0। अब यहाँ से यन हम कॉमन ले लें तो मिलेगा यहाँ पर एन माइनस 7 और प्लस यहाँ से 2 कॉमन ले लें तो ये मिलेगा आपका n माइनस 7 इजकल टू 0। अब यहाँ से दोनों में से कॉमन ले लीजिए n माइनस 7 और ये हो जाएगा n प्लस 2 इजकल टू 0। तो अब देखें हम यहाँ इसको सॉल्व कर देते हैं तो n माइनस 7 और n प्लस 2 इजकल टू 0 है, दोनों को बारी बारी से हम 0 के इक्वल करेंगे। तो अगर n माइनस 7 को 0 के इक्वल करें तो n इजकल टू 7 आ जाएगा। तो n जो है पदों की संख्या होती है। अब इसके बाद हम n प्लस 2 इजकल टू 0 करें तो n इजकल टू हो जाएगा माइनस 2। तो किसी भी समांतर श्रेणी में पदों की संख्या ऋणात्मक नहीं होती है, इसलिए यह अमान्य हो जाएगा। यानी यन की जो वैल्यू निकली है वो 7 है, यही आंसर होगा, यन का मान आपसे पूछा जा रहा था। अब इसके बाद आपसे a का भी मान पूछा जा रहा है, तो हम एक काम करते हैं, ये जो यन की वैल्यू निकली है ना, यन की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 2 में रखते हैं और रख करके हम ए की वैल्यू निकालते हैं। लिख दिया जाएगा यन इजकल टू 7 समीकरण 2 में रखने पर, तो ये हो गया 6 - 2, यन के जगह पर हो जाएगा 7 = a, तो 6 माइनस ये हो जाएगा 7 × 14 इजकल टू हो जाएगा a, और फिर 6 - 14 कर देंगे -8 = a, यानी a की वैल्यू -8 हो जाएगी, तो एक आंसर आपका ये मिल जाएगा। तो आपसे n और a का मान पूछा जा रहा था तो n की वैल्यू 7 निकल गई और a की वैल्यू -8 निकल गई। इस प्रकार ये जो 8th पार्ट था यह 8th पार्ट आपका सॉल्व होता है। अब हम देखते हैं इसके 9th पार्ट को। 9th पार्ट में दिया हुआ है a इजकल टू 3, n इजकल टू दिया है 8 और यस यस का मतलब योग होता है, समेशन होता है, ये दिया हुआ है 192। तो d का मान आपसे पूछा जा रहा है। देखिए आपको फार्मूला मालूम है, यस एन इजकल टू होता है एन बाई टू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस फार्मूले को जानते हैं, किसी भी समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल। तो यस एन का मतलब ये यस, तो यस की वैल्यू दी गई है 192 इजकल टू, एन की वैल्यू दी गई है 8/2 और ये हो गया 2a के जगह पे 3 है, और फिर n की वैल्यू है 8 - 1 और फिर ये हो जाएगा dd की ही वैल्यू पूछी जा रही है। अब ये हो गया 192 इजकल टू 2 से इसको कट कर देंगे 4 हो जाएगा, ये हो गया 4, 2 × 3 = 6 और प्लस हो जाएगा 8 - 1 = 7, डी हो जाएगा। अब 4 को हम इधर ला देते हैं 192/4,
इक्वल टू हो जाएगा 6 + 7 days, और 4 से इसको डिवाइड कर लीजिए तो ये हो जाएगा आपका 4 × 16 हो जाएगा और 4 × 32 हो जाएगा तो ये 48 हो जाएगा। ये इक्वल टू हो गया 6 + 7 days। अब 6 को हम इधर ला दें तो 48 - 6 इक्वल टू हो जाएगा 7 days, और 48 - 6 हो जाएगा 42 इक्वल टू 7 days। तो यहाँ से d की वैल्यू अगर हम निकाले हैं तो d की वैल्यू हो जाएगा 42/7। अब 7 से इसको डिवाइड कर दीजिए 6 हो जाएगा, तो d की वैल्यू निकल गई 6। यही आपसे पूछा जा रहा था। तो ये इसका 9th पार्ट जो है ये सॉल्व होता है। चलिए देखते हैं अब इसके बाद 10th पार्ट है। 10th पार्ट में दिया हुआ है L इक्वल टू 28। तो L जो होता है ये लास्ट टर्म होता है, और लास्ट टर्म जो होता है वो 9वें पद के बराबर होता है। तो याद रखे रहिएगा L की जो वैल्यू होगी वो An के इक्वल होगी। An इक्वल टू 28 है। और चलिए अब हम फार्मूले का यूज़ करते हैं, और आपको पता है कि SN इज इक्वल टू, देखिए अब एक चीज़ और हम आपको बता दें कि AN की वैल्यू हमको मालूम है। तो AN की वैल्यू और यहाँ N की वैल्यू 9 दिया हुआ है, तो AN इक्वल टू होता है A+N-1 × D। ये हो गया 28। और देखें यन की वैल्यू आपको 9 दिया हुआ है, हम यहाँ रख देते हैं 9। तो a प्लस हो जाएगा 9 - 1 × D इज इक्वल टू 28 हो गया। तो a प्लस 9 - 1 हो जाएगा 8D इजक्वल टू हो जाएगा 28। तो इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अब देखिए यस के लिए यहाँ पर आपको दिया हुआ है SN इजकल टू, तो SN के लिए फार्मूले का अगर हम यूज़ करें तो ये हो जाएगा N/2 और A+AN हो जाएगा। तो चलिए यस का मतलब SN का मान दिया है, तो SN की वैल्यू है 144 इज इक्वल टू एन के जगह पे है 9 और माइनस हो जाएगा 2 ए प्लस एन, एन की वैल्यू जो है 28। तो चलें अब इसको हम सॉल्व करें, तो ये हो जाएगा आपका 144 और फिर ये हो जाएगा 2 इधर आ जाएगा और अपान हो जाएगा 9 इजकल टू ए प्लस 28। देखें एक चीज़ हम आपको बता दें कि आपसे केवल ए का ही मान पूछा जा रहा है, अगर डी का भी मान पूछता ना तो इस समीकरण की ज़रूरत पड़ती, लेकिन केवल हम लोगों से ए का ही मान पूछा जा रहा है तो ए की वैल्यू तो यहीं से निकल जाएगी। अब अगर हम 9 से भाग दे दें तो ये 16 हो जाएगा, और 16 × 2 हो जाएगा 32 इजकल टू ए प्लस 28 हो जाएगा। और फिर यहाँ 32 और 28 बराबर के पहले आ जाएगा, तो ये हो जाएगा -28 इजकल टू ए। तो ए इजकल टू 32 में से 28 को माइनस कर दीजिए तो ये हो जाएगा 4। तो एक चीज़ समझ लीजिए, यहाँ इस समीकरण की हम लोगों को कोई आवश्यकता नहीं पड़ी है, सीधे यहीं से मान निकल गया है। तो ए का मान आपसे पूछा जा रहा था, ए की वैल्यू 4 आ गई। इस प्रकार प्रश्नावली 3.3 के क्वेश्चन नंबर 3 के जो 10 पार्ट थे ये 10 पार्ट सॉल्व होते हैं, और हमें उम्मीद है कि ये सब आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए यूट्यूब पे जाइए, महामना इंस्टीट्यूट को सर्च कीजिए और रेड कलर के सब्सक्राइब वाले बटन को क्लिक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। अगर किसी
प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बतावें और वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक आप शेयर करें तथा बेल आइकन को भी प्रेस करें एवं उसको ऑल पे कर दें ताकि प्रतिदिन पढ़ने वाले वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।